नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावशंद्र फ्लेक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे, सर हुबली जोन का कट ऑफ बताइए, हुबली जोन का कट ऑफ बताइए। तो थोड़ा सा एनालिसिस में बिजी था, इस वजह से कट ऑफ नहीं दे पाया। तो आज की इस वीडियो में हम हुबली जोन के सटीक कट ऑफ की बात करेंगे, बिल्कुल एनालिसिस के बेसिस में आपको बताने वाला हूं, सटीक एनालिसिस के साथ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, जो भी साइंस की प्रॉपर क्लासेस चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस के साथ चाहता है एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि क्लासेस मैंने देना स्टार्ट कर दिया। जनरल साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, वहाँ पर बहुत सारी क्लास अवेलेबल है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। और ELP की पूरा साइंस मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए चलिए जानते हैं हुबली जोन का क्या कट ऑफ रह सकता है, कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि आपने देखा ही हुआ एनालिसिस के बेसिस पर, अब जो रेलवे जो है वो पेपर के लेवल को काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर रहा है, पेपर के लेवल को क्या कर रहा है, हार्ड कर रहा है। और एक्चुअली में हार्ड क्या कर रहा है कि अभी तक जो एग्जाम हो रहे थे तो पैटर्न सेम रिपीट हो रहा था, बट हुबली जोन का जो लास्ट में एग्जाम हुआ तो उसमें क्या किया, थोड़ा पैटर्न तो वही रखा लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। अब उससे क्या हो रहा है कि अभ्यर्थी क्या है, क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कट ऑफ कई लोग कहेंगे कि जाना जा सकते, तो कैसे जाना चले जाएगी, जब आप अटेम्प्ट ही सही नहीं कर पा रहे, उसमें से आपकी दुनिया भर की गलती गलत भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ ऊपर तो जा नहीं सकती। अब कितनी का कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस की बेसिस बताऊंगा, तो देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं 2019 का कट ऑफ रहेगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिससे कट ऑफ और कंपटीशन पता चलता है, जैसे हम फॉर्म फिलअप की बात करें तो फॉर्म फिलअप की बात करें 67 0283 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए थे। अगर हम स्टूडेंट की उपस्थिति देखी जाए तो स्टूडेंट की उपस्थिति लगभग आप मान के चलिए 45 से 50%, कितनी मान के चलिए 45 से 50%, और कई कॉलेज में आपको क्या देखने को मिलेगी, कई सेंटर्स पर 40% के आसपास देखने को। अगर आप दोनों का एवरेज निकाल कर चलते हैं, जो फॉर्म फिलअप की संख्या है अगर उसका आप 45% निकालते हैं तो लगभग इतने 3 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, और अगर 40% लेकर चलते हैं तो 2 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, ठीक है ना। तो दोनों का मैंने आपको बता दिया, अगर उपस्थिति 45 रहती है तो इतना रह सकता है कंपटीशन, और अगर 40 रहती है तो इतना रह सकता है। तो ये पूर्ण रूप से कंपटीशन डिपेंड किस पे कर रहा है, उपस्थिति पे डिपेंड कर रहा है, कुल मिला के अभ्यर्थी कितने क्या अवेलेबल हो रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अब अगली मैं बात करूं कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पर, तो पोस्ट ऑफ वैकेंसी 2018 के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा थी, 7167 वैकेंसीज थी। और अगर हम बात करें पीटी के लिए, तो पीटी के लिए 7167 का 3 times उनको बुलाना है, तो 21501 स्टूडेंट को क्या किया जाएगा पीटी के लिए बुलवाया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं 3 लाख लेकर चलता हूँ तो पर सीट कॉम्पिटिशन आ रहा है 14, और अगर मैं लेकर चलता हूँ कितना अभी मैंने आपको बताया था 2 लाख के आसपास, तो उस हिसाब से कंपटीशन निकल कितना निकल के आ रहा है 12। तो अगर हम लेकर चलें मोटा मोटा हिसाब किताब लेकर भी चलें तो लगभग 14 से लेकर 12 अभ्यर्थियों के लिए पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप बात करें 2018 की, तो 2018 का आप कट ऑफ देखेंगे तो जनरल का क्या कट ऑफ रहा था, 62 रहा था, और ये नॉर्मलाइजेशन के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, जो आपके रो मार्क्स बने होंगे उसमें नंबर ऐड होने के बाद जो अंक आते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क। तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क था, कि जबकि हुबली जोन का कितना गया था 62 के आसपास गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें OBC का कितना गया था 54 गया था, SC का कितना गया था 49 गया था, ठीक है, ये उस समय की बात कर रहा हूँ जबकि जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं, ठीक है। और 21 का ST का कितना गया था 48 के आसपास गया था, और उस समय EWS था नहीं। तो अब यदि हम बात करें यहाँ पर इसका क्या कट ऑफ रह सकता है 2019 का, तो 2019 का आप लेकर चलिए जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 52 से लेकर 54 के बीच में, और इसमें भी आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं प्लस माइनस 2, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड है तो उस हिसाब से अभ्यर्थियों ने उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, और उसमें माइनस मार्किंग की वजह से भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। और परसेंटाइल मेथड लगना है तो आपको ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा, जो आपके रोक मांग है उसी से आप फिजिकल की तैयारी आपको करनी है, ठीक है ना। तो 52 से लेकर 54 के बीच में जनरल का रह सकता है, और अगर OBC की बात करें तो 50 से लेकर 52 के बीच में, और इसमें भी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ दो नंबर प्लस माइनस आपको करने हैं कंपलसरी, ठीक है। और SC की बात करते हैं तो SC का रह सकता है 47 से 50 के बीच में, और अगर हम ST की बात करें तो ST का रह सकता है 44 से लेकर 48 के बीच में, और EWS को लेकर चले तो EWS का हो सकता है 49 से लेकर 52 के बीच में। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की पूरी संभावना बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो खुद ने आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का लेवल कितना टाइट रहा है, हालांकि पैटर्न वही रहा है लेकिन क्वेश्चंस के लेवल ज़्यादा बढ़ा देने के कारण अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, और टाइम टेकिंग एग्जाम था, तो उस वजह से कट ऑफ ज़्यादा आपका नहीं रह सकता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइंस की प्रॉपर क्लासेस मैं आपको देने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।